दे दिला दे। बस भाई जान, ते इस तरह सी बचपन दे विछड़े हुए भैन भरा अज तक नहीं मिल सके। सलमा भैन, तेरी कहानी सुन के तां कलीजा कम जांदा, पर तू घबरा ना, तेरी लगन ते तेरी तपस्या नूं देख के मैनूं पूरा यकीन है कि वाहिगुरू एक दिन भैन भरा नूं जरूर मिलाएगा। तुहाडे मूंह च क्यों शक्कर होवे भाई जान, पता नहीं किन्नियों को विसाखियां ते किन्ने को गुरपुरब लंघ गए ने। मेरी सलमा हर साल तुहाडे तीर्थ स्थानां ते अपने भरा नूं लभण जांदी है कि शायद कोई सूह मिल जाए, पर हमेशा मायूस होण दे बावजूद भी इसने हाले तक अपनी हिम्मत नहीं जिहारी। तुसीं घबराओ ना भाई जान, हौसला रखो। चंगा, हुण सानूं इजाजत दो, कल नूं वापस परतना है ते परतों तो पहला बचियां हुई शालां भी बेच के जानी है। आ लो भाई जान, आ साडे वल्लों एक छोटा जिहा तोहफा है, बदामां दीआं गिरियां, पिस्ता ते किशमिश, बड़े चाह नाल लोकी इधरों उधर लैके जांदे ने। इन्ना तकल्लुफ करन दी की लोड़ सी पैणा, अगली बार जदों तेरे वीर शमशेर सिंह नूं लैके आवांगा ना, फिर लैके जावांगा। उदों तां भावें बोरियां भर के लै जाणा भाई जान। तुहाडे घर बथेरा चिर आराम कर लिया ते रज के खा पी भी लिया, इन्ना थोड़ा पैणे। साडे मुल्क विच साडे लई कोई सेवा होवे तां जरूर दसणा। बस भाई जान, जे हो सके तां मेरे वीर शमशेर नूं लब्भण दी कोशिश करना। तुसीं फिक्र ना करो भैन जी, असीं पूरी कोशिश करांगे, अमृतसर जाके कल्ला कल्ला शमशेर सिंह लग करांगे। जे कि इस तरह हो जावे ना, तो मैं आप अपने वीर का हाथ फड़ के हरमंदिर साहब मत्था टेकन जावांगी। कारण करम करी कृपा धार रही। लाख लाख वधाई होवे शमशेर सिंह, अमृतसर जे पंजवी बिल्डिंग है तेरी जो बन के तैयार हो रही है। शुक्रिया शुक्रिया सतनाम सिंह, पाकिस्तान के उजाड़े तो बाद इस शहर में ही मैनू भाग लगे ने। तैनू तो पता ही है कि 25 साल मैं किमें मिट्टी ना मिट्टी होया ता जे इस मुकाम ते पुजा। ओ तेरी मेहनत ते किसी कोई शक नहीं है भरावा, तेरे काम वाल कोई उंगली नहीं चुक सकता। वधिया मटीरियल, वधिया नक्शे ते समय तो पहलो काम पूरा करके देना, ये तेरी कंपनी की खासियत है। एदा पावरा नीता नूं मुरादा ने, जो तुम सच्ची नीयत नाल काम करदे हो ता परमात्मा बख्श जरूर कर दे। ओ हुण होर नवा कड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रही है तेरी ये शमशेर सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी। मैं किसी नवे प्रोजेक्ट नूं हाथ पाउण तों पहला अपनी इस कंपनी दे नाम विच थोड़ी तब्दीली करनी चाहुंदा। अच्छा, ओ किसी नवे नाम ते कोई नवी कंपनी शुरू कर रहे हैं? नहीं नहीं, कंपनी दा नाम ते यही रहेगा। तैनूं पता है कि मेरा बेटा विक्रम हुण वड्डा हो गया, सुख नालों गभरू जवान भी सोहणा निकलिया, ते मैं चाहुंदा उहनूं इस काम विच पावां। इसलिए मैं इस कंपनी का नाम रखना चाहना शमशेर सिंह विक्रम सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी। वो फिर ये सोचने वाली कि गल है, ये तो बहुत वधिया आइडिया है, नाले नाले तेनू भी थोड़ा आराम मिल जाता। नहीं नहीं भरावा, आराम वाली कोई गल नहीं, आराम नाल तां बंदा बीमार हो जाता। नाले सियाने कहिंदे ने कि खड़ा लोहा बैठिया गोहा ते पिया मोहा एक बराबर हुंदा। और तू तो मेरी गल दूजे पासे लै गया। मेरा कहने का मतलब है कि जो तेरा जवान पुत तेरे नाल हाथ बटाऊगा ना, ते फील्ड का सारा काम वो जुम्मे पा दी, ते आ फिर अफसर ना मुलाकात ते पेमेंट वगैरह इकट्ठिया करने का काम अपने को रखी। ये तेरी गल बिल्कुल ठीक है, बस विक्रम दे 4-5 महीने कॉलेज हो रहे ने। मैं उन्होंने यही समझाया कि पुत्रा रज के पढ़ाई कर, खूब मेहनत कर, ते अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके मेरे ना मेरे काम में हाथ बटाओ ते मेरे वांगू नाम कमा। ठीक है शमशेर सिंह, कर लैण दे 2-4 महीने कॉलेज दीआं मौजां, ओए कॉलेज दे दिन मुड़ के थोड़ा आने फिर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विक्रम, की हाल है तेरा? जी बहुत बढ़िया सर। बॉक्सिंग जीतने की खुशी विच आज तक बधाइयां तो तुम्हें बहुत मिल रही होंगी। जी बेटे, इस कॉलेज में तेरे ते मान है। सर सब तुहाडा आशीर्वाद है। बेटे आज बॉक्सिंग जीतन की खुशी के नाल नाल एक होर भी खुशी सानू मिली है। वो कहड़ी सर? वो ये कि आने वाले यूथ फेस्टिवल च जिहड़ा असीं प्ले कर रहे हैं ना मिर्जा साहिब, हाँ जी, उस तां मिर्जा नहीं सी मिल रहा पर अज सानू मिल गया। सर मैं कुछ समझा नहीं जी। इस प्ले विच तू मिर्जा का किरदार करेगा। सर मैं?
सर मैं तो कदे स्टेज पे चढ़िया तक नहीं, मैं किदा कर लूं? तू फिकर ना कर, असी आप करावा। ठीक है सर, लेकिन साहिबा दा करैक्टर कौन कर रही है सर? विक्रम, तेनू साहिबा दे करैक्टर बारे क्यों इन्नी चिंता है? फिकर ना कर, साडे प्ले दी साहिबा असल साहिबा नालों भी किते वध सोहणी होएगी। हुण तू मेरे नाल स्टाफ रूम चल ते अपनी स्क्रिप्ट लै जा, घर बैठ के याद करके आई। जी सर। ओके ठीक है। मैनू लगता कि अज तुहानू नवी बिल्डिंग की खुशी विच नींद नहीं आ रही, पर गल है भी बड़े फकर वाली कि मेरे सरदार जी का नाम पंजाब के सब तो वड्डे वड्डे बिल्डर विच आउंदा है। हाँ पनीत कौरी, 25 साल पहला जो असीं ठेकेदारी का काम शुरू किया सी तां इस शहर विच एक छोटे जे मकान का ठेका लिया सी। उस तो बाद अनेक छोटे छोटे मकान बनाए ते फिर वड्डियां बिल्डिंगां बनाईयां ते अज असीं इस मुकाम ते पहुंचे हाँ कि शहर की सब तो वड्डी बिल्डिंग मैं बना रहा। बस परमात्मा तुहाडे ते पेर दा हथ रखे ते तुसीं इसे तरह उच्चिया उच्चिया ते वड्डिया वड्डिया बिल्डिंगा ही बनाउंदे रहो। हाँ पनीत कौर, मैं वड्डिया बिल्डिंगा बनाउणियां चाहुंदा हाँ ते मेरे दिल की ख्वाहिश भी है जिहड़ी मैं सिर्फ तेरे नाल ही सांझी कर सकदा। ओके होए कि मैं इस शहर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी चाहना ते उस बिल्डिंग दी सब तो ऊपर वाली छत ते खड़ के जदों मैं इस शहर तो पार सरहद वल वेखा तो मैनू पाकिस्तान में सारा कुछ साफ साफ दिखाई देवे। हो सकता है पनीत कौर मैनू पार्टीशन वेले दी उह हवेली दिस पवे जिस दे उत्ते खड़ के मेरियां छोटियां छोटियां भैणां मैनू उच्ची उच्ची आवाजां मारदियां सन, शमशेर शमशेर। ते मेरा जी करदा कि मैं भी उस बिल्डिंग दी छत ते खड़ के उच्ची उच्ची उहनां नूं आवाजां मारां। हो सकदा है पंडित कौर उह मेरी आवाजां सुण लैण जां मैनू वेख लैण, इह भी ते हो सकदा है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਟਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਡਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਉਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਉਹ ਸਭ ਭਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੌਂ ਜਾਓ।